नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। लोक आस्था का महापर्व छठ चल रहा है, ऐसे में जो दूसरे प्रदेश से जो मजदूर रहते हैं बिहार के, वो छठ मनाने आ रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया क्योंकि वो शराब के नशे में थे और कुछ तो शराब लेकर आ रहे थे। ऐसे में उन्हें धर दबोचा गया है, मद्य निषेध विभाग ने कार्रवाई की है और 2 दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया है और महंगा पड़ गया उन्हें और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो छठ पर्व पर जो दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है लेकिन दूसरे प्रदेशों में नहीं है। वो दूसरे प्रदेशों से नशे में आ रहे थे कुछ लोग और कुछ लोग शराब को लेकर आ रहे थे, ऐसे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध विभाग मुजफ्फरपुर के उत्पाद प्रभारी अधीक्षक अभिनव कुमार, पहले आप वो सुनिए। पकड़े जा रहे हैं छठ पर्व के उपलक्ष्य में भारी संख्या में बाहरी राज्यों से बिहार में बिहार के लोग छठ पर्व मनाने आए हैं। तो इस मौके पर शहर के अलग अलग स्थानों पर उत्पाद विभाग द्वारा निगरानी तेज कर दी गई है और जगह जगह वाहन जांच, व्यक्तियों की जांच और जो शरारती तत्व हैं उन सभी की ब्रेथलाइजर मशीन से जांच की जा रही है और जो भी नशे में करते हैं, जो नशे के आदि हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं। हाँ, चूँकि पूरे ज़िले में निगरानी तेज कर दी गई है तो इसीलिए अलग अलग जगह से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जो बाहर के लोग हैं जिन्हें बाहर चूँकि शराबबंदी नहीं है, वो इस आदत में है तो यह उन सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है कि वो नशा करते हुए पकड़े न जाएं। आज कुरल कितने अरेस्टिंग है? कुल 29 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ज़्यादातर शराब का सेवन करने वाले लोग हैं। इसमें कुछ शराब बेचने वाले लोग भी हैं तो कुल दोनों तरह के लोगों को गिरफ्तार आगे भी जारी रहे। हाँ, ये छठ पर्व तक विशेष रूप से शहर के शहरी क्षेत्रों में एवं जो जहाँ छठ का घाट तैयार किया जा रहा है उन सभी स्थानों पर जांच की जाएगी ताकि किसी तरह का व्यवधान इस महापर्व में ना आ सके। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है अभिनव कुमार, जो मद्य निषेध विभाग के प्रभारी अधीक्षक हैं मुजफ्फरपुर के। उन्होंने बताया है किस तरीके से अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, छठ पूजा को लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। ऐसे में बिहार में शराब पीना, बेचना, सेवन करना सभी पर मनाही है और ऐसा उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है। तो दूसरे प्रदेशों में से जो आ रहे हैं वो कुछ लोग शराब लेकर आए थे, कुछ लोग शराब के नशे में थे। ऐसे में ब्रेथ एनालाइजर से जाँच की गई, शराब में नशे में होने की पुष्टि हुई जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया है। तो जो छठ मनाने आ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है क्योंकि उन्होंने शराब के नशे में थे और बिहार में शराब का सेवन करना, शराब के नशे में रहना या शराब बेचने पर मना ही है। तो वही रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।